भारतीय सांस्कृतिक निधि इंटेक ने मंडी की द्रोहर छाया चित्रों पर आधारित नए साल 2020 का एक कैलेंडर प्रकाशित किया है, जिसका विधिवत विमोचन उपायुक्त कार्यालय के सभागार में अतिरिक्त उपायुक्त आशुतोष गर्ग ने किया। इस कैलेंडर में मंडी शहर के प्राचीनतम छाया चित्र प्रकाशित किए गए हैं, जो नई पीढ़ी के लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकते हैं। भारतीय सांस्कृतिक निधि इंडिके ने मंडी की द्रोहर छाया चित्रों पर आधारित नए साल 2020 का एक कैलेंडर प्रकाशित किया है, जिसका विधिवत विमोचन उपायुक्त कार्यालय के सभागार में अतिरिक्त उपायुक्त आशुतोष गर्ग ने किया। इस कैलेंडर में मंडी शहर के प्राचीनतम छाया चित्र प्रकाशित किए गए हैं, जो नई पीढ़ी के लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकते हैं। मंडी शहर के चौहाटा बाजार, सैरी बाजार, गंडागर बाजार बनने से पहले यहाँ पर स्थित तालाब, पुराना अस्पताल, गुरुद्वारा गुरु गोविंद सिंह को प्राचीन स्वरूप समेत एक दर्जन दुर्बल फोटो है। इंटेक के संयोजक नरेश मल्होत्रा ने बताया कि ये सब छाया चित्र हिमाचल दर्शन फोटो गैलरी के संस्थापक छायाकार बीरबल शर्मा के संग्रह के लिए किए गए हैं। इस मौके पर इंडेक के सह संयोजक ने बताया कि लगातार दूसरे साल धरोहर पर आधारित कैलेंडर का प्रकाशन इंडेक की ओर से किया गया है, ये क्रम आगे भी जारी रहेगा। इस मौके पर नगर परिषद मंडी के अध्यक्ष सुमन ठाकुर ने कहा कि इस तरह के कार्यों के लिए नगर परिषद का पूरा सहयोग मिलेगा, क्योंकि ये प्राचीन धरोहर को संरक्षण का अनूठा प्रयास है। इस मौके पर जिला वासा अधिकारी मंडी रेवती शैणी के अलावा इंडेक सभी सदस्य, विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि, कलाकार, गणमान्य व्यक्ति व शिक्षक मौजूद रहे। इंटेक को मैं बहुत बधाई देना चाहूंगा, जो ये कैलेंडर का विमोचन किया गया और उपायुक्त महोदय ने कार्यक्रम में आना था, बट अनफॉर्चुनेटली आई थिंक शायद उनके कैलेंडर में ही नोटेड नहीं था, ध्यान में नहीं रहा, ना मैं उनसे आज जिक्र कर पाया। जैसी बात हुई तो रियलाइज की वो ऑलरेडी पद्धर किसी काम से निकल चुके हैं, तो फिर वो जो है इस फंक्शन में नहीं आ पाए। और इंटेक का बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे मौका मिला कि इस कार्यक्रम में और इस कैलेंडर के विमोचन में आपके बीच मुझे आने का मौका मिला। और जैसा मैडम ने भी कहा, समय समय पे हमें इंटेक का, खासकर जो भी हमारी मंडी की हेरिटेज को लेकर, यहाँ के कल्चर को लेकर जो भी एक्टिविटीज टाइम टू टाइम हम करते हैं, तो आप सबका उसमें बड़ा सहयोग हमें मिला है। और छोटी काशी फेस्टिवल जो भी एक पहली बार एक ऐसी एक्टिविटी मंडी में की जा रही थी, और उस दौरान हमारे पास समय भी बहुत कम था प्रिपरेशन करने के लिए, लगभग दो हफ्ते के टाइम में ही हम लोग जो है इसको व्हाटएवर एक्टिविटीज जो हम कर पाए उस समय, इट वाज अ शॉर्ट ड्यूरेशन, दो वीक के ड्यूरेशन में हम लोगों ने, या मे बी 10 डेज टाइम में हमने इसकी तैयारी की। तो बड़ी प्रोएक्टिवली आप लोगों से हमें सहयोग मिला, जो खासकर दो एक्टिविटीज इंटेक के साथ हमने करी, चाहे वो यहाँ के लोकल फूड को लेकर एक जो फूड कोर्ट, फूड स्टॉल्स टाइप लगाए गए, और दूसरी एक्टिविटी जो हेरिटेज वॉक की थी, और इसमें बच्चों का भी बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन रहा। तो आई थैंक ऑल द स्कूल्स ऑल्सो जो यहाँ पे मौजूद हैं।